बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके कानों में इचिंग होती है, कानों में खारिश रहती है, कान बंद बंद से महसूस होते रहते हैं, तो देखा गया है कि वो लोग जिनको कानों में मुस्तकिल खारिश रहती है, कान बंद बंद से महसूस होती रहती हैं, जब इसका मुआयना किया जाता है, अक्सर देखा गया है या तो कानों में वैक्स होती है या कानों में फंगस होता रहता है। इसमें सख्ती से मना करते हैं कि कान में कॉटन बट ना मारे, कानों में तिलीशीरी ना मारे, कानों में उंगली ना मारे, कान में पानी ना जाए, क्यों अक्सर नहाते वक्त कानों की खुशकी, बालों की खुशकी कानों में चली जाती है, या जब भी हम बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे पेन, पेंसिल, हेयर पिन, अल्टीमेटली कान इन्फेक्टेड हो जाता है और वहाँ पे ड्रामा हो जाता है, फंगस के चांसेस होते रहते हैं। और जब ये फंगस हो जाता है तो हम कहते हैं अपने तौर पर कभी भी इसकी सक्शन ना करें, आप अपने तौर पर ना निकालें, कंसल्ट कर लें जिससे आपका सक्शन क्लियरेंस होगी, वो कान बिल्कुल सेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।